है फ्रेंड्स, मैं सोलर पावर्ड डीसी फैन डिज़ाइन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी को भी दिखाया जाए। इसमें जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स है, इसके लिए कुछ प्लाई के टुकड़े हैं, सोलर पैनल है, मोटर है और प्रॉपलर है। फ्रेंड्स, इसे काफ़ी आसानी से घर पर बनाया जा सकता है, तो जल्दी से देखते हैं कैसे इसे डिज़ाइन किया जा सकता है। सबसे पहले हम दो छोटे छोटे प्लाई के पीसेस डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस जो स्क्वायर शेप का प्लाई है इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसे पहले ही लगा चुका था, वीडियो मैंने बनाना बाद में स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम इसे लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें फ्रेंड्स होल दिया हुआ है और हमारे पास एक प्लाई का टुकड़ा और है, इसमें भी एक होल दिया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पर इसे जो है स्क्रू के नट की हेल्प से इसे कस सकते हैं, या आप चाहे तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने इस पीस को ग्लू की हेल्प से जो है इस पे जॉइंट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर प्लाई का एक और टुकड़ा है हमारे पास में, इसे हम इसके ऊपर जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हम इसे ग्लू की हेल्प से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस पीस को। Now it is connected. फ्रेंड्स, हमारे पास एक डीसी मोटर है स्मॉल और एक सोलर पैनल है अप्रॉक्स 6 वोल्ट का, तो हम इस मोटर के टर्मिनल को सोलर पैनल के साथ सोल्डर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसके दोनों टर्मिनल्स को सोलर पैनल के साथ सोल्डर कर दिया है सोल्डरिंग मशीन की हेल्प से। अब बारी है इसके कनेक्शन की। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सोलर पैनल और इस मोटर को कनेक्ट करेंगे ग्लू की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, ये मोटर और सोलर पैनल जो है ग्लू की हेल्प से कनेक्ट हो चुके हैं इस पीस के ऊपर। अब हम इस मोटर पे प्रॉपलर कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने प्रॉपलर कनेक्ट कर दिया है, नाउ आवर फैन इज़ रेडी। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए छत पर, यहाँ पर अच्छी खासी धूप है और अभी ये मोटर बंद है, वो जैसे ही इसे धूप मिलती है आप देख सकते हो मोटर अपनी पूरी स्पीड से चल रही है। प्रॉपलर काफ़ी तेज़ घूम रहा है, बट वीडियो में शायद थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ पा रहा, लेकिन प्रॉपलर बहुत ही तेज़ घूम रहा है इसमें और मोटर अपनी फुल स्पीड में चल रही है। सन एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक सा प्रोजेक्ट था।